नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, आज का दिन शुक्रवार का दिन है और खास बात यह है कि आज दिवाली भी है, तो हम अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी दिवाली बड़े ही सुख के साथ, संपन्नता के साथ और सुरक्षित वातावरण में व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, दिवाली पर अपनों का साथ, प्यारी सी नोकझोंक, साथ ही साथ मिठाइयां और कई दिए जलाकर रोशन किए गए घर, गली, मोहल्ले भारत के माहौल को एक अभूतपूर्व रूप दे देते हैं। दिवाली का ये उत्सव महज उत्सव ना होते हुए हम सब के लिए एक मौका बन जाता है पुरानी यादों को अपनों के साथ मिलकर ताजा करने का और साथ ही नई नई यादें बनाने का। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इस मौके का जरूर पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपने वातावरण का भी पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और इसे आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर लाइव प्ले बटन दबाकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो उड़ान पर हम कई तरह के अलग अलग शोज लेकर आते हैं जिसमें मनोरंजन से भरपूर शोज होते हैं, जैसे हमारा आरजे हंट, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और अंताक्षरी। साथ ही साथ कई ऐसे शोज भी हैं जिसमें मनोरंजन के साथ साथ आप सीख सकते हैं कुछ लेटेस्ट वर्ड्स भी और ब्रशअप कर सकते हैं अपना इंग्लिश का नॉलेज। इन्हीं में शामिल हैं गोर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े कुछ ऐसे शोज जो विकलांगता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी कोई शो मिस कर देते हैं तो चिंता न करें, बस हमारे YouTube चैनल पर जाएं, अपने फेवरेट शो का नाम टाइप करें और ढूंढें लेटेस्ट एपिसोड ताकि आप अपडेटेड रहें इस शो के कंटेंट के साथ। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेडियो उड़ान की ऐप भी मौजूद है जिसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी रेडियो उड़ान को आप लाइव सुन सकते हैं। तमाम तरीके की लाइव ब्रॉडकास्ट वेबसाइट्स पर भी रेडियो उड़ान को लाइव सुना जा सकता है। बहरहाल, वक्त हो चला है हेडलाइंस सुनने का और ये जानने का कि इस बार के कम्युनिटी कलर्स में कौन सी खबरें हुई हैं शामिल। सुनते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को राजस्थान सिविल जज के इंटरव्यू में शामिल होने की दी अनुमति। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए स्क्राइब सहायता और प्रतिपूरक समय पर SSC के नए दिशा निर्देश। आवारा पशुओं का विकलांगों को हो सकता है खतरा, दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल। अभी तक नहीं हुए हैं पूरे 2023 में घोषित जम्मू कश्मीर के विकलांगों से किए गए वादे। सुनेंगे NFB के जॉब अलर्ट्स। अमरीकी परिवहन विभाग ने विकलांग यात्रियों की भर्ती के लिए अमेरिकन एयरलाइंस पर लगाया 50 मिलियन का जुर्माना। 25 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हुए आइए सुनते हैं आज की पहली खबर राजस्थान से। सुप्रीम कोर्ट ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले एक उम्मीदवार को राजस्थान सिविल जज के इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दे दी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि ये याचिकाकर्ता 60% तक लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने 111.5 अंकों के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट शादान परासत ने कहा कि याचिकाकर्ता को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे OBC श्रेणी के तहत कट ऑफ को पार नहीं कर सके, जिसके तहत वो दिव्यांगता श्रेणी से अलग हो जाते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए जिसमें इस दृष्टिहीन उम्मीदवार को उसी परीक्षा के इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई। इस फैसले में निर्देश दिए गए, ऐसी परिस्थितियों में चूंकि इंटरव्यू शनिवार को समाप्त हो जाएंगे, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ईशान को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। उक्त आदेश के लिखे जाने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से पेश हुए एडवोकेट मुकुल कुमार ने न्यायालय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि वर्तमान निर्देश का उपयोग अन्य मामलों में समानता के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। पर इस पर जस्टिस पारदीवाला ने वकील से ऐसे मामलों में अधिक विचारशील होने के लिए कहा और कहा कि आपके पास वो सहानुभूति होनी चाहिए, आपके पास वो दिल होना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता दृष्टिहीनता से पीड़ित है और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ता ने 113.5 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के लिए ना बुलाए जाने पर ये मामला छिड़ गया था। वर्तमान में मामले में नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने 4 नवंबर को अगली सुनवाई से पहले जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं SSC से। फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिव्यांग या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें स्क्राइब की सहायता या SSC की स्क्राइब की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आयोग पात्र उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय और लेखक की सहायता की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। आयोग ने बताया कि दृष्टिहीनता, लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी वाले PWD उम्मीदवार अगर चाहे तो उन्हें एक लेखक की सुविधा प्रदान की जा सकती है। नोटिस में कहा गया है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले शेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामलों में परीक्षा के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार ही जारी किया जाना चाहिए। नोटिस ये जानकारी देता है कि संबंधित व्यक्तियों को लिखने में शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक लेखक आवश्यक है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि PWD या PWD उम्मीदवारों को स्क्राइब या पैसेज रीडर की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो। उम्मीदवार के पास अपने स्वयं के स्क्राइब का चयन करने या आयोग द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने का विवेक होगा। परीक्षा के समय के अवधि के संबंध में जिन लोगों को लेखक के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यदि परीक्षा की अवधि 1 घंटे से कम है तो अतिरिक्त समय की अवधि अनुपातिक आधार पर ही दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि पात्र उम्मीदवारों के लिए लेखक के अलावा किसी भी अन्य अटेंडेंट को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने लेखक या पैसेज रीडर या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय लेखक प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। स्वयं लेखक के मामले में किसी भी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एकमुश्त पंजीकरण यानी OTR पूरा करने के बाद ही लेखक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। एक लेखक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों की सहायता नहीं कर सकेगा। किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
आयोग ने ये भी कहा है कि उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। नियमों के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेखक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई दर्ज भी कराई जाएगी। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से आ रही ये खबर, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर बैठक करने का निर्देश दिया है। ये चुनौतियां हैं आवारा पशुओं को लेकर आने वाले खतरे की। याचिकाकर्ता है एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट, एक फाउंडेशन, जिसने अपने निदेशक राहुल बजाज, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में दृष्टिबाधित अधिवक्ता है, के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों पर आवारा पशुओं के हमलों से होते हुए खतरों पर जोर देकर एक पिटीशन दायर की। फ्रेंड्स, आवारा कुत्ते और बंदरों के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई नगर निकाय अधिकारियों के साथ साथ सहकारी विभागों को 4 नवंबर को एक और बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि विशेष रूप से अस्पतालों, सार्वजनिक पार्क्स और अदालतों जैसी कुछ विशिष्ट जगहों पर कार्य योजना तैयार की जा सके। मुख्य न्यायाधीश मनोहर और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने ये निर्देश कई याचिकाओं पर दिया, जिसमें धनंजय संजोगता फाउंडेशन की एक जनहित याचिका भी शामिल है। इसमें पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में अपर्याप्तता और आवारा पशुओं के खतरों के कारण विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, इस पीठ ने सचिव को 4 नवंबर को एक बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें NDMC, MCD, कैंटोनमेंट बोर्ड, GNCTD के वन और पशुपालन विभाग, पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ साथ याचिकाकर्ता, अधिवक्ता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। याचिकाकर्ता फाउंडेशन एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है। इन्होंने अपने निदेशक राहुल बजाज, जो दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक दृष्टिबाधित अधिवक्ता है, के माध्यम से दिव्यांगों पर आवारा पशुओं के हमलों पर जोर देते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सफेद छड़ी से आवारा पशुओं को होने वाला खतरा भी शामिल है। ये भी रेखांकित किया गया कि ऐसे व्यक्तियों की खतरों का अनुमान लगाने में असमर्थता और उनकी सीमित गतिशीलता दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हमले के मामले में खुद का बचाव करने में असमर्थ बना सकती है, जैसा कि अन्य दिव्यांग करते हैं। याचिका में दिव्यांगों के लिए सेवा पशुओं और चिकित्सा पशुओं के उपयोग के लिए एक रूपरेखा की मांग की गई है। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इस समय मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि सामान्य रूप से समाज में विभिन्न समूह शामिल होते हैं, जिनमें विकलांगता से पीड़ित लोग भी हैं, और कहीं भी आपको पूरा शहर बंदरों और कुत्तों द्वारा कब्जा किया हुआ नहीं मिलेगा। आज शहर में चलना असंभव है, भले ही मेरे पास कोई अपना पालतू जानवर हो। मैं पालतू जानवर को टहलने के लिए भी बाहर नहीं ले जा सकता। एम्स जैसी जगहों पर आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक नहीं हो सकता, और लोग ऑपरेशन के लिए वहां गए हैं, उन्हें स्वच्छ वातावरण की जरूरत है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सहसंस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है, और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास
3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर से। 1.5 साल से भी अधिक समय पहले घोषित किए गए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के वादे अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिव्यांग जन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना का लाभ प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 13 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि ये सुविधा केवल कुछ एक जिलों में ही उपलब्ध थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हालांकि 1.5 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक नया केंद्र भी स्थापित नहीं किया गया है और इसके कारणों के बारे में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना दावा किया है कि इस संबंध में प्रस्तावित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेज दिए गए हैं और मंत्रालय से प्रतिक्रिया का इंतजार है। सूत्रों ने आगे कहा कि इसके कारण विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं, जिसे ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभावी पुनर्वास सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और ये भी कहा कि समाज कल्याण विभाग को केंद्रीय मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के कम 10 जिलों में विकलांगता पुनर्वास केंद्र जल्द से जल्द खोले जा सके। योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सूत्रों ने कहा कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र सर्वेक्षण और पहचान के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र, बस पास और अन्य रियायती सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। जिले में दिव्यांगजनों को विशिष्ट विकलांगता पहचान प्रमाण पत्र UDID जारी करने में सहायता करते हैं। विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने का काम भी ये केंद्र करते हैं। और साथ ही जिले में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों का डेटा रखने जैसे महत्वपूर्ण काम भी ये केंद्र करते हैं। इसके अलावा ये केंद्र सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करना, सहायक उपकरणों के प्रावधान और फिटिंग, सहायक उपकरणों की अनुवर्ती मरम्मत और सरकारी और धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से शल्य चिकित्सा सुधार के रेफरल और व्यवस्था में भी मदद यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी ये सेंटर्स करते हैं। सूत्रों ने कहा कि इन सभी उद्देश्यों से ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों की अनुपस्थिति में विकलांग व्यक्ति कितने लाभ और अवसरों से वंचित रह रहे हैं और शायद कितनी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक DDR को जिला कलेक्टर, जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन दल की देखरेख में चलाया जाना है और इसमें बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला एवं बाल कल्याण विभागों के जिला अधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसी के नोडल अधिकारी और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है।
दोस्तों, संपर्क करने पर समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र अभी तक नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रस्तावों की मंजूरी के लिए एक बार फिर केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष मामला उठाएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम में समय हो चला है। NFB यानी नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से आ रही जॉब अलर्ट्स को सुनने का। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता ने 500 सहायकों की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 28 रिक्तियां आरक्षित की हैं। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 11 नवंबर। इससे पहले पहल आपको अपना आवेदन भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कृपया विजिट करें nationalinsurance.nic.co.in पर। याद रहे nationalinsurance.nic.co.in पर। बढ़ते हैं अगले जॉब अलर्ट की तरफ। ये आता है PGCIL की तरफ से। PGCIL में 802 विभिन्न प्रशिक्षुओं की भर्ती में VI के लिए 10 रिक्तियां आरक्षित की गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 नवंबर और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया विजिट करें www.powergrid.in पर। याद रहे www.powergrid.in पर। बढ़ते हैं अगले जॉब अलर्ट की तरफ, जो कि आता है कर्नाटक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने VI के लिए 15 रिक्तियां आरक्षित की हैं। 1500 स्थानीय बैंक अधिकारियों की रिक्तियों में ये भर्तियां की जाएंगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 नवंबर, 13th of November, जिससे पहले पहल आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप कृपया विजिट करें www.unionbankofindia.co.in पर। याद रहे www.unionbankofindia.co.in। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एक अमरीकी एयरलाइंस के बारे में। अमरीकी परिवहन विभाग ने विकलांग यात्रियों की भर्ती के लिए अमेरिकन एयरलाइंस पर रिकॉर्ड $50 मिलियन का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, ये आज तक का घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय उद्योग में विकलांगता उल्लंघनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान है, जो पिछले रिवाइज्ड सिक्योरिटी से भी 25 गुना ज्यादा है। परिवहन सचिव पीट बिटिगेग ने कहा कि ये कार्यवाही विकलांगता यात्रियों के साथ खराब व्यवहार की सहनशीलता को समाप्त करने का प्रतीक है। बिटगिग ने व्यापार करने की सामान्य लागत से अधिक दंड निर्धारित करके उद्योग के मानकों को प्रभावित करने के इरादे पर जोर दिया। दोस्तों, इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। परिवहन विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि अमरीकी सरकार ने विकलांग यात्रियों को पर्याप्त व्हीलचेयर सहायता प्रदान नहीं की है और पिछले 5 वर्षों में हजारों व्हीलचेयर्स को नुकसान पहुंचाया है, और इसी को लेकर उन्होंने $50 मिलियन का जुर्माना अमेरिकन एयरलाइंस पर लगाया है। कुछ मामलों में व्हीलचेयर उपयोगकर्ता घायल भी हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि कितने लोग घायल हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही है ऐसी घटनाओं की जो 2019 से लेकर 2023 के बीच हुई है, जहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा अभ्यास किया गया, जांच की गई और आंशिक रूप से पैरालाइज्ड वेटरन्स ऑफ अमेरिका की कंपनी के खिलाफ 3 औपचारिक शिकायतों के कारण ये मामला शुरू किया गया। पिछले साल मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज से एक महत्वपूर्ण सबूत भी मिला। फुटेज में दिखाया गया है कि कर्मचारी लापरवाही से व्हीलचेयर को बैगेज रैंप से नीचे खिसका रहे थे, जिससे वो पलट गई और कंक्रीट पर फिसल गई। लेकिन इस पूरे मामले पर अमेरिकन एयरलाइंस ने जुर्माने के जवाब में कहा है कि उसने विकलांग यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और अन्य उपायों पर इस साल $175 मिलियन से भी अधिक का निवेश किया है। एयरलाइंस का दावा है कि उसने व्हीलचेयर और पावर स्कूटर के दुरुपयोग को 20% से अधिक कम कर दिया है और व्हीलचेयर सहायता का अनुरोध करने वाले हर 1000 ग्राहकों में से एक से भी कम ने शिकायत दर्ज करवाई है।
दोस्तों, दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए सांघिक नियम यानी कि फेडरल रेगुलेशंस की अगर सुने तो इनके अनुसार एयरलाइनों को उड़ान के बाद व्हीलचेयर और स्कूटर्स को ग्राहकों को जल्द से जल्द और बिना किसी नुकसान के वापस करना होता है, और विकलांग यात्रियों को हवाई अड्डों पर आने जाने और विमान में चढ़ने उतरने में मदद करनी होती है। एयरलाइंस ने क्षतिग्रस्त व्हीलचेयर की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए भुगतान करना जरूरी है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे उपयोगकर्ताओं को हफ्तों तक घूमने फिरने का कोई उपयुक्त तरीका नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आइए अब जानकारी लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 2024 के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे 2024 के बारे में। विविधता और समावेश का उत्सव अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस, जो हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, बौनापन से पीड़ित लोगों के जीवन और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और साथ ही अकोंड्रोप्लाजिया जैसी स्थितियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। ये दिन छोटे कद वाले लोगों को समझने और शामिल करने को प्रोत्साहित करता है, रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं को तोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास। दोस्तों, इस दिन को मनाना शुरू हुआ 2012 से, जब लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका LPA एक संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में अभिनेता बिली बार्टी ने की थी, ने उनके जन्मदिन के सम्मान में इस दिन को मनाने की शुरुआत की। 25 अक्टूबर 2024 को जन्मे बार्टी बौनेपन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध वकील थे। उनके LPA के प्रयासों से इस जागरूकता दिवस को विविधता का जश्न मनाने और छोटे कद वाले व्यक्तियों की सामाजिक धारणाओं को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। LPA एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6,500 से भी अधिक सदस्य हैं, जो बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए समानता और समावेश को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौनापन क्या होता है? बौनापन एक चिकित्सा या अनुवांशिक स्थिति के कारण होने वाले छोटे कद को संदर्भित करता है, जिसकी विशेषता आमतौर पर 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। बौनापन का सबसे आम प्रकार अकोंड्रोप्लाजिया है, जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करने वाला अनुवांशिक विकार है, जबकि बौनापन हर 15,000 से 40,000 जन्मों में से लगभग एक व्यक्ति को होता है। इसमें 300 से भी अधिक विभिन्न स्थितियां होती हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकती हैं। लेकिन बौनापन क्या ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर बौनेपन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि हार्मोन थेरेपी। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी वाले व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। इस उपचार में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई वर्षों तक नियमित इंजेक्शंस दिए जाते हैं। एक अन्य उपाय है सर्जरी। अनुपातहीन बौनेपन वाले लोगों के लिए हड्डियों की असामान्यताओं को ठीक करना, रीढ़ को स्थिर करना और अन्य जटिलताओं को दूर करने के लिए सर्जिकल विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। कुछ व्यक्ति अंग की लंबाई सर्जरी का विकल्प भी चुनते हैं, यानी कि लिम लेंथनिंग सर्जरी। हालांकि ये विकल्प अपने जोखिमों के कारण विवादास्पद बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस न केवल बौनेपन वाले लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है, बल्कि ये समावेश और समझ को बढ़ावा देने का दिन भी है। ये समाज को हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देने और छोटे कद के लोगों की क्षमताओं को और उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकलांग अमरीकी अधिनियम ADA यानी के The Americans with Disabilities Act बौनेपन वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनके साथ कार्यस्थल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में समान व्यवहार किया जाए। बौनापन एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी जातीयता या पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन समावेश का संदेश सार्वभौमिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में।
इस वक्त हम ले रहे हैं जायजा डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट खबरों का, और अब प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में वक्त हो चला है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट्स सेक्शन का। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से तथा इस सेक्शन के माध्यम से हम आपको फिर से एक बार दिवाली की शुभकामनाएं देने का मौका नहीं चूकना चाहते। तो आप सभी को रेडियो उड़ान फैमिली, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और DEPWD MSJE की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी के साथ आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते ही हैं कि DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट्स सेक्शन में हम डिपार्टमेंट की तरफ से की गई ऑथेंटिक फेसबुक पोस्ट्स को पढ़ते हैं और इन पर लिखी जानकारी साझा करते हैं। तो आइए आज के इस सेक्शन की शुरुआत करते हुए पहली पोस्ट पढ़ते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे के बारे में। डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सच्ची ऊंचाई केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि साहस और इच्छा शक्ति से मापी जा सकती है। हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों सागरिका और सत्या से मिलिए। दुनिया की हर बाधा उनकी अदम्य इच्छा शक्ति के आगे छोटी है। उनके सपनों की उड़ान हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। सागरिका और सत्या हमें गर्व से अपनी पहचान को अपनाना सिखाते हैं। हर कदम के साथ वे हमें बताते हैं कि सच्ची ताकत हमारे भीतर है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने इन दोनों की एक नृत्य कलाकृति में हिस्सा लेती हुई एक फोटोग्राफ भी साझा की है, जिस पर लिखा गया है इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे 25th October 2024। सच्ची ऊंचाई शारीरिक माप में नहीं बल्कि उस अदम्य साहस और इच्छा शक्ति में होती है जो इंसान को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। ये पोस्ट है 27 अक्टूबर की, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं आज का दिन समर्पित है उन सभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी OTs को, जिनकी मेहनत और लगन से लाखों लोग आत्मनिर्भरता का एहसास कर पा रहे हैं। उनकी कोशिशें हर व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी की उम्मीद भर देती हैं और समावेशिता का एक नया उदाहरण स्थापित करती हैं। उनकी सेवा और समर्पण हमारे समाज को सशक्त और समावेशी बनाने में अमूल्य योगदान देते हैं। #WorldOTDay World Occupational Therapy Day 2024 27th October Occupational Therapy for All। दोस्तों, इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिवस के अवसर पर कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने अपनी राय डिपार्टमेंट के साथ साझा की, जिसे डिपार्टमेंट ने बड़े ही गर्व के साथ अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है, जिनमें से कुछ ऑडियोज हम आज सुनने वाले हैं। पहला है #WorldOccupationalTherapyDivas पर आइए जीवन को सशक्त बनाने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाने। इस वर्ष की थीम सभी के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, सभी के लिए स्वतंत्र रूप से जीने और फलने फूलने के लिए समावेश और सुलभता के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये कहा है SVNIRTAR के निदेशक ने। आइए सुनते हैं उनका विशेष संदेश। It's observed as World Occupational Therapy Day. The theme of World Occupational Therapy Day 2024 is Occupational Therapy for All. I, Dr. Patita Pavan Mahanti, Director SB Nirdar, congratulate all my occupational therapist friends, respected seniors, loving juniors and dear students on this World Occupational Therapy Day 2024. Therapists provide treatment to maximize independence in functional abilities through remedial and compensatory strategies with the goal for the patient to regain the ability to live independently at home and community. In 21st century, occupational disorders and lifestyle disorders are increasing day by day, and to resolve this problem, occupational therapists help us to modify our activities and environment. Over time, the childhood disorder like developmental disorder, learning disability, behavioral issues have been increasing drastically.
And to tackle this problem, occupational therapy play a major role. So the demand for occupational therapist is increasing sharply. Let us work together. इसी के साथ एक अन्य पोस्ट डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें वे लिखते हैं #WorldOccupationalDay पर आइए जीवन को सशक्त बनाने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाने। इस वर्ष की थीम सभी के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, सभी के लिए स्वतंत्र रूप से जीने और फलने फूलने के लिए समावेश और सुलभता के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने साझा किया है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, निदेशक PDU राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली के विशेष संदेश को। आइए सुनते हैं। It's World Occupational Therapist Day. I wish all the occupational therapists a happy Occupational Therapist Day, as well as I'm thankful that we have a professional like occupational therapist. Who are they? What do they do? Occupational therapists are professionals who have done a 4.5-year degree course from any of the 50 colleges which are available in India, some 11 government and the rest of them private colleges. So they are a rare profession, 5,000 of them only in India. What do they do? The word occupational therapist comes from the word occupation. Occupation means something which keeps us occupied. For a child, it would be play. For an adult, it would be work and leisure. For a geriatric or for an old person, it would be regaining the capabilities, getting the capabilities to redo the set of works which he was capable of doing and which are fading because of the dampening of the senses or because he is losing out certain motor skills. So an occupational therapist works across lifespan, from the intensive care unit to the geriatric population. Who needs them? For instance, there are children with autism spectrum disorder, cerebral palsy, deafblindness, developmental disorder, specific learning disabilities, who have challenges in terms of focusing attention because of some sensory issues, maybe hearing, vision, touch, proprioceptive, vestibular, or maybe because of certain motor issues. So there are certain modifications which are required so as to get the sensory input in, process it appropriately. So sensory integration is something which an occupational therapist does. Furthermore, there are certain emotional issues. A person may not be in a position to focus because his emotions are overwhelming in children with autism spectrum disorder, in children with ADHD, attention and emotion. An occupational therapist, through creative play activities, helps these children. In adults, I may be doing fine. I meet an accident, a traumatic brain injury, or a stroke. I lose my capabilities. Simple activity of daily living capabilities like getting up, going to the washroom, dressing, brushing, feeding myself, driving, playing, an occupational therapist through creative and engaging activities helps me to regain these skills. In a geriatric population, people who are growing old, naturally they lose out their sensory capabilities as well as their motor capabilities. An occupational therapist again engages with them through creative activities and helps them to do activities which they enjoy, which they had enjoyed, and which makes them feel meaningful and makes them be socially engaging. So this is a wonderful profession which addresses womb to tomb needs. I wish a wonderful and a happy occupational therapist day. Thank you. इसी के साथ डिपार्टमेंट अगली पोस्ट साझा करते हैं। निदेशक श्री अली यावर, जुंग राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण विकलांगता संस्थान यानी जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुंबई की तरफ से। आइए इसे सुनते हैं। नमस्कार। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 27 अक्टूबर को विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा लोगों को सार्थक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त बनाती है, चाहे वह विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे हों या विभिन्न रोग या आयु संबंधित विकार से पीड़ित वयस्क या बुजुर्ग। इस वर्ष का विषय समावेशिता और पहुंच के महत्व को उजागर करता है। जैसे जैसे हम एक बदलते विश्व का सामना कर रहे हैं, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर हमें
सभी की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करना चाहिए। अन्य चिकित्सा के साथ साथ व्यावसायिक चिकित्सा के लाभों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इस मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मैं विशेष रूप से भारतीय व्यावसायिक चिकित्सा संगठन दिल्ली शाखा को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ने कई अन्य मान्यवरों और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्टों के वीडियोस भी फेसबुक पेज पर साझा किए हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये सभी वीडियोस देखना और सुनना चाहते हैं तो कृपया DEPWDMSJE के आधिकारिक फेसबुक पेज को विजिट करें और इन सभी वीडियोस पर अपडेट पाएं। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, सतर्कता की शपथ, सशक्त भारत का संकल्प, दिव्यांग जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक के तहत संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा के नेतृत्व में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ईमानदारी की शपथ ली तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। ये पहल न केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है, बल्कि ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा के मूल्यों पर आधारित जागरूक एवं सशक्त समाज की नींव भी रखती है। इसी पोस्ट के साथ साथ अधिकारियों की शपथ पढ़ते समय की तस्वीरें भी साझा की गई है। इनके साथ साथ मैसेज दिया गया है, सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रव्यापी #ActForDyslexia अभियान के समर्थन में राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को रोशन किया गया था। यूनेस्को, MGIEP और चेंजिंग फाउंडेशन के सहयोग से हम सीखने की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। DEPWD के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया कार्रवाई करने का आवाहन है। 1600 से भी अधिक वॉक और 400,000 प्रतिभागियों के साथ हम सीखने की अक्षमताओं वाले लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस रोशनाई की तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की गई हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, इंडिया गेट न्यू दिल्ली, लाइट हाउस दमन और जयपुर से साझा की गई है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट लाइट अप इन रेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट #dyslexia। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट ने इस रोशनाई को लेकर जगह जगह जो मीडिया में कवरेज किया गया उसकी तस्वीरें साझा की हैं। प्रिंट मीडिया ने इस रोशनाई और इस लाल रंग के महत्व पर जोर डालते हुए इसे काफ़ी सराहा है और कई न्यूज़पेपर्स ने इस पर अपना अपना लेख भी साझा किया है। इसी के साथ ये सेक्शन यहीं समाप्त होता है। आप सबसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन इससे पहले कि हम जुदा हों, आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को राजस्थान सिविल जज के इंटरव्यू में शामिल होने की दी अनुमति। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए स्क्राइब सहायता और प्रतिपूरक समय पर SSC के नए दिशा निर्देश। आवारा पशुओं का विकलांगों को हो सकता है खतरा, दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल। अभी तक नहीं हुए हैं पूरे 2023 में घोषित जम्मू कश्मीर के विकलांगों से किए गए वादे। सुनेंगे NFB के जॉब अलर्ट्स। अमेरिकी परिवहन विभाग ने विकलांग यात्रियों की भर्ती के लिए अमेरिकन एयरलाइंस पर लगाया 50 मिलियन का जुर्माना। 25 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे।